केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव के मतदान हो रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में चल रहे मतदान को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। यशपाल आर्य ने कहा कि हमने जो फीडबैक अब तक लिया है और प्रत्येक बूथ पर जनता से जो रुझान हमको प्राप्त हुए हैं, उससे यही लगता है कि केदारनाथ क्षेत्र की जनता बीजेपी को दरकिनार कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रही है। ये शुरुआती रुझान बहुत बेहतर है, कांग्रेस के पक्ष में है, और जो हमने फीडबैक लिया है बूथ वाइज मतदान केंद्रों पर, हमारे जो साथी हमारे सहयोगी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रचार तो बंद है लेकिन मतदाताओं को लाना, पोलिंग बूथ तक पहुँचाना और उनकी ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माहौल हमारे पक्ष में है और इस बूथ से हम जीत के आएंगे। ये पूरे कमोबेश सभी बूथों की स्थिति का आकलन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जो हमारे कांग्रेस के, जो हमारे परिवार के, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में एकजुट होकर गाँव गाँव जाकर हर क्षेत्र में जाकर कांग्रेस की विचारधारा को, भाजपा के कुशासन को, भाजपा की जो जनवृद्धि नीतियां हैं, जो भाजपा का जो वायदे, खोखले वायदे हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज सरकार जो आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार से, उसके कुशासन से, उसके तुगलकी फरमानों से मुक्ति चाहती है और बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है। हालांकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से विशेष लगाव रहा है और 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ क्षेत्र का जो कायाकल्प हुआ है और हाल ही में केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र की जनता को मुआवजा राशि वितरित की है, उससे केदारनाथ की जनता आज भाजपा के पक्ष में खड़ी है। मैं अभी 7 दिन केदारनाथ के दौरे पर था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का केदारनाथ से लगाव और जो 2013 की आपदा के बाद जो केदारनाथ का कायाकल्प हुआ है, अभी हाल ही की आपदा में जुलाई माह में जब वहां आपदा आई, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी 0 पॉइंट पर पहुंचकर घोषणा करते हैं और एक थोड़े से समय के अंदर 10 करोड़ की मुआवजा राशि, राहत राशि वहां के 5,600 भावित लोगों को मिलती है। इसका संदेश पूरी केदार घाटी में है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका वो बयान, जो पूर्व में विधायक थे उन्होंने अपना 6 करोड़ रुपया सेंडर कर दिया था, उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उस बयान को लोग याद कर रहे हैं। और वहीं हमारी प्रत्याशी मृदुभाषी हैं, सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं, उसका लाभ भी उनको प्लस कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को भारी अंतर से जीतने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।